नमस्कार साथियों, मैं विकास अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, सीएलसी सीकर से। आज हम लोग आईएपीटी 2023 जूनियर साइंस केमिस्ट्री का पेपर हम सॉल्व करेंगे, जो कि ऐसे है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रेस्पेक्टिवली। वी नो दैट इसमें सिर्फ इतना सा पूछा गया है कि कौन सी आयनिक स्पीसीज की फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और कौन सा एंडोथर्मिक होगा। वी नो दैट सीएल माइनस फॉर्म कब होता है? सीएल माइनस फॉर्म होगा जब सीएल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद सीएल माइनस बनाएगा। सीएल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 288। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिला वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। और जब भी ऐसा होगा स्टेबिलिटी गेन करेगा, मतलब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करने का मतलब वहाँ पे उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो सी एल माइनस के फॉर्मेशन में होने वाला जो प्रोसेस है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में हम एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल सोचें तो जरा ओ माइनस टू की तरफ देखते हैं। तो ओ माइनस टू कब बनेगा? वेन न्यूट्रल ऑक्सीजन गेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म ओ माइनस। सिंपल सी बात है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन जब ये ओ माइनस स्पीसीज एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तब फॉर्मेशन होगा ओ माइनस टू का। और ये जो प्रोसेस है ओ माइनस टू के फॉर्मेशन में, एक्चुअली हुआ क्या कि एक न्यूट्रल एटम में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर उस मोनो एटॉमिक एनायन ने सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन किया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को यदि रिपेल करेगा तो रिपेल करने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज कुछ अमाउंट में होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल हमको मिल रहा है। लेकिन इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पे रिलीज होने वाली एनर्जी का अमाउंट कम रहेगा, बल्कि यहाँ पे एनर्जी और ज़्यादा एनवायरनमेंट से वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ओ माइनस टू के फॉर्मेशन के लिए। और यदि ऐसा है कि ओ माइनस टू के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है तो हम कहेंगे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव होने का मतलब ये जो प्रोसेस होगा ये कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, द एडिशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट द एडिशन ऑफ सिंगल सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन भी यही पूछा है कौन सा एक्जोथर्मिक कौन सा एंडोथर्मिक। तो सी एल माइनस का फॉर्मेशन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ओ माइनस टू का फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट, हाइड्रोजन रिएक्ट फास्टर विद सी एल टू एंड 13 टाइम देन टी टू बिकॉज। देखो ऐसा है, जब भी कोई हम बोलेंगे कोई मॉलिक्यूल फास्ट रिएक्ट कर रहा है तो किसी की भी फास्ट रिएक्शन डिपेंड करती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर। यदि किसी की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है मतलब वो फास्ट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट फास्टर नंबर वन। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि उस बॉन्ड को ब्रेक करना ही चाहिए, जिस बॉन्ड को ब्रेक करना ही चाहिए, यानी कि जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम है वो इजीली ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक होगा तो कहेंगे वो फास्ट रिएक्शन करेगा। जैसे यदि हम हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की बात करें और ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी की बात करें, तो क्योंकि सेकंड ऑप्शन के अंदर हमको ऐसा कुछ दे रखा है तो डेटा पता होना चाहिए तो हम कर पाएंगे। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की डेटा है 436 किलोजूल पर मोल, मतलब हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वहीं यदि हम ड्यूटेरियम के बारे में सोचें तो ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है 443 किलोजूल पर मोल। वन मोल सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस डेटा की हेल्प से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ड्यूटेरियम की कंपेयर में कम है, लेस है। तो हाइड्रोजन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बात सही है, तो फास्ट रिएक्ट कर पाएगा। क्यों कम है? क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी डीडी के कंपेयर में क्या होती है, बड़ा लेस होती है। तो इन दोनों बातों को कॉम्बिनेशन में थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यही इसका आंसर रहेगा कि हाइड्रोजन Cl2 से ड्यूटेरियम के कंपेयर में ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी से कम रहेगी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तीन डेटा पूछा है हमसे। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू वाटर मोलिक्यूल के लिए होती है 78.39 और D2O के लिए यही वैल्यू होती है 78.06।
कंपैरेटिवली इजीली दिख रहा है, 78.39 इज ए ग्रेटर वैल्यू एज कम्पेयर टू 78.06, सो द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू एच टू के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डी टू। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डी टू की ज़्यादा एच टू से गलत बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वाटर मोलिक्यूल के लिए 1.33 और डी टू के लिए होती है बेटा 1.32, तो क्लियर दिख रहा है वाटर मोलिक्यूल की इधर भी ज़्यादा रहेगी, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की यदि बात करें तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है वो ज्यादा मिलेंगे किसमें, जो लिक्विड विस्कस होगा, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल में, जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वैल्यू हायर होती है वो मॉलिक्यूल विस्कस गाढ़ा रहेगा, और डी टू और एच टू में से जो विस्कस लिक्विड है वो कौन सा है, डी टू। यदि डी टू विस्कस है इसका मतलब इसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, तो सिंपल सा डी टू ज्यादा है एच टू से, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये वाला गलत हो गया। तो बेटा करेक्ट कौन कौन से है, तो करेक्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है एंड सिक्स करेक्ट है, जो कि हमको गिवन है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 1, 3 एंड 6। नेक्स्ट, द कंपाउंड विच इज यूज टू प्योरीफाई एयर, एयर को प्योरीफाई करने में कौन सा कंपाउंड आता है, स्पेशली स्पेस शटल में, सबमरीन में एंड ब्रीदिंग मास्क में। याद रखिएगा डायरेक्ट आंसर पोटेशियम परोक्साइड K2O2, दिस कंपाउंड इज यूज्ड टू प्योरीफाई एयर। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3-, चेक करते हैं I3-, इसके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास 3 आयोडीन एटम है, 1, 2 एंड 3, वी नो दैट आयोडीन एटम हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमें इतना पता है एवरी एलिमेंट वॉन्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा, जैसे मान लो इस आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 है, इसके पास भी 7 है, इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। आयोडीन के पास में देखो एक माइनस का 1 है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने क्रॉस से जो साइन किया है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास में, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे वाले आयोडीन एटम के साथ में बॉन्डिंग बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा तो इन दोनों बीच में भी एक कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनी, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बनी, ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनी, ओवरऑल क्या हुआ वो देखिए कि 3 आयोडीन एटम थे, 1, 2 और 3, 3 आयोडीन एटम के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग है जिन्होंने बॉन्ड पार्टिसिपेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो थे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। इस आयोडीन को चेक किया तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है दिख रहे हैं हमको, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। लास्ट वाला आयोडीन एटम को चेक करें तो इसमें भी हमको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले मॉलिक्यूल में टोटल जो लॉन पेयर हैं वो 3, इसमें भी लॉन पेयर 3 और इसमें भी लॉन पेयर 3, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 9, जो कि गिवन है हमको ऑप्शन नंबर 4th के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 92, एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर आर नॉट फाउंड इन नेचर, नॉट फाउंड इन नेचर, डेटाबेस क्वेश्चन अगेन, एटॉमिक नंबर 46 एंड एटॉमिक नंबर 61। एटॉमिक नंबर 46 है टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 61 है प्रोमीथियम, एटॉमिक नंबर 61 प्रोमीथियम, एटॉमिक नंबर 46 टेक्नीशियम, विच, हाँ ठीक है, 46 टेक्नीशियम, 61 प्रोमीथियम, ये जो एलिमेंट है, एक मिनट, 46 नहीं, ये एटॉमिक नंबर 43 है, एटॉमिक नंबर 43 पे आता है टेक्नीशियम, तो ये जो एटॉमिक नंबर 43 और एटॉमिक नंबर 61 है ये दोनों के दोनों नेचर में नहीं मिलते, और हमसे यही पूछा है कौन से एलिमेंट है जो नेचर में नहीं मिलते, तो नहीं मिलने वाले एलिमेंट है 43 और 61, ऑप्शन में गिवन नहीं है, नहीं गिवन है तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, ये गलती से हुआ था, सही करें, एटॉमिक नंबर 43 टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 61 प्रोमीथियम, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पे मिलने वाले स्टेट को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा,
लो टेम्परेचर पे मिलने वाली स्टेट को बोलते हैं बीसी, जो कि हमको सेकंड ऑप्शन में गिवन है। बीसी का मतलब क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फेज, दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर। जनरली तीन स्टेट पड़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा और दो स्टेट है। एक ऐसी स्टेट जो वेरी हाई टेम्परेचर में मिलती है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, एक ऐसी स्टेट जो वेरी लो टेम्परेचर में मिलती है उसे हम बीईसी बोलते हैं। नेक्स्ट, द बॉन्ड विच विल ब्रेक ब्रेक इन फर्स्ट स्टेप व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, हमको एक एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर बना के दे रखी है, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, और हमसे ये कह रहा है कि जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जब ये रिएक्ट करेगा तो सीधी सी बात हम देखेंगे बेटा H प्लस आयन को, कि H प्लस आयन को क्या चाहिए, तो बोलेंगे साहब लोन पेयर चाहिए। जब H प्लस आयन को लोन पेयर चाहिए तो लोन पेयर मिलने के बाद ये देखो कैसा दिखेगा, सी एस थ्री सी, ये ऑक्सीजन से आके जुड़ा हाइड्रोजन लोन पेयर वाले, ये लोन पेयर एज इट इज और ये भी एज इट इज, ठीक है। जब यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच होगा तो सीधी बात है यहाँ पे डेफिशिएंसी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और डेफिशिएंसी जब आएगी इलेक्ट्रॉन्स की तो इन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो ब्रेक होने वाला बॉन्ड हमको दिख रहा है एसिटिक एसिड में वो ये दिख रहा है, यानी कि इसमें कुछ ऐसा होगा, देखिए ये चला गया ओ एच, ये ओ एच एज इट इज और कार्बन पर आ गया पॉजिटिव। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे इस एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ब्रेक होने वाला बॉन्ड कौन सा है, तो सबसे पहले ब्रेक होने वाला बॉन्ड यही था, रीजन कि साहब एच प्लस ने लोन पेयर्स पर अटैक किया, बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई ऑक्सीजन पे जो कि एक अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है, इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबल बनाने के लिए वापस ने कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा, यदि मोर ई एन एटम पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे मोर ई एन एटम पर पॉजिटिव चार्ज यदि दिख रहा है तो ये अनस्टेबिलिटी को शो करता है, अनस्टेबिलिटी को, इसका विषय ध्यान रखें, यानी कि स्टेबल कब होगा कोई भी एलिमेंट या कोई भी प्रोडक्ट, कि यदि लेस ई एन वाले पर पॉजिटिव आ जाए या फिर हाई ई एन पर नेगेटिव आ जाए, लेस ई एन पर पॉजिटिव और हाई ई एन पर नेगेटिव, ये दोनों ही केस स्टेबिलिटी को इनक्रीज करते हैं। देखो यहाँ पे हाई ई एन पर पॉजिटिव था, हाई ई एन पर पॉजिटिव मतलब अनस्टेबिलिटी, इधर लेस ई एन पर पॉजिटिव है, कार्बन की ई एन ऑक्सीजन के कंपेयर में कम है और उस पर पॉजिटिव है, और लेस ई एन पर पॉजिटिव आ गया मतलब स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हुई है, मतलब एक स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा यही था, एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमको यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता हुआ दिखा जो कि बॉन्ड बी के अंदर हमको दे रखा है, बॉन्ड बी मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस बेस स्ट्रेंथ। थोड़ा ध्यान देना है इसके ऊपर, लुईस बेस स्ट्रेंथ का हमको कंपेयर करना है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि लुईस बेस स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या, किसे बोल रहे हैं हम, तो बेसिक सी एक बात ध्यान रखो, लुईस बेस स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, मतलब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा इसमें से कंपाउंड इजीली लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जो भी कंपाउंड इसमें से इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा मतलब वो ज़्यादा लुईस बेस स्ट्रेंथ भी शो करेगा। फॉर एग्जांपल यदि हम चेक करें तीनों को बारी बारी, थर्ड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्ड बना हुआ है जो कि एक अल्टरनेट पोजिशन पे है, और अल्टरनेट पोजिशन पे है मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनने का मतलब ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, और एरोमेटिक कंपाउंड बनने का मतलब कि ये लोन पेयर फ्री ही नहीं है डोनेट करने के लिए, जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए तो कह सकते हैं कि ये कंपाउंड तो बेसिक स्ट्रेंथ शो ही नहीं करेगा। लेकिन अभी इसका कंपेयर हमको बचे हुए दो कंपाउंड का तो और करना है, फिलहाल हमको ये मालूम चल गया कि एक स्टेबल कंपाउंड है। ओके, नाउ सेकेंड एंड फर्स्ट ऑप्शन, 1 2 3 सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं, यदि अंदर चले भी गए तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन एक अनस्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम होने का मतलब उसके अलावा एक कंडीशन और लगा सकते हैं
कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, जबकि इधर वाला जो नाइट्रोजन है वो एक sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है। sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन में से sp2 हाइब्रिडाइज ज़्यादा en वाला कंपाउंड है, जिसकी en ज़्यादा होती है। ज़्यादा en होगी मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके रखेगा इसके कंपेयर में, और यदि ऐसा है तो हम कहेंगे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर पा रहा है, तो इजीली तो फर्स्ट वाला ही कर पाएगा। उससे कम कौन कर रहा है? सेकेंड वाला। सबसे कम कौन करेगा? तो बोलेंगे थर्ड वाला। क्वेश्चन में भी यही पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर 3-2-1 का है, मेरा 3-2-1 फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, जो बोलेंगे मैथिल ग्रुप विच मे बी प्रेजेंट इन एल्केन, फॉर्मूला है C11H24 इज क्लोज टू। C11H24 में मैक्सिमम कितने CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं? तो देखो, पहली बात तो एल्केन है, जैसे मान लो मैं 5 कार्बन की चेन बनाता हूँ, बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया CH3 ग्रुप, इधर भी CH3 ग्रुप ऐड किया, एक CH3 इधर लगाया, कार्बन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, टोटल 11 कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास में, 24 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पूछा है इसमें कितने मैक्सिमम CH3 ग्रुप हो सकते हैं, तो क्लियर दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो टोटल 8 CH3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन 11, एक ग्लास वॉल्व ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर, कंटेन 4 ग्राम मेथेन, मेथेन का वेट गिवन है 4 ग्राम, बल्ब इज सो एच टू बस्ट आउट इफ द प्रेशर एक्सीड जस्ट 10 atm, पी गिवन है 10 atm, 10 atm। उसके अलावा एट विच द प्रेशर, एट विच द प्रेशर ऑफ गैस रीचेज द बस्टिंग पॉइंट इज क्लोज टू, मतलब ये पूछा है एट विच द, ओके, द टेम्परेचर एट विच द, टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है अपन से, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.0821। सबसे पहले जो क्वेश्चन में मैथेन का वेट गिवन है, इससे पहले मोल निकालेंगे, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट गिवन है 4, मॉलिक्यूलर वेट है 16, सॉल्व करने पर बना 1/4 यानी कि 0.25 मोल। हमको टेम्परेचर निकालना है तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, इधर से टी निकालना है तो टी इक्वल टू लिखेंगे हम पीवी अपॉन एनआर, जहाँ प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है अपन को 10 atm, वॉल्यूम गिवन है 1, एन की वैल्यू गिवन है 0.25 और आर गिवन है 0.0821। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 487.6 केल्विन, जो कि हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में अवेलेबल है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर। पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर एचसीएल, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। एचसीएल 10⁻⁸ मोलर कंसंट्रेशन का एचसीएल की पीएच कितनी होगी? देखो कैसे निकालेंगे, पहले इस पर ध्यान दो कि 10⁻⁸ मोलर एचसीएल का मतलब क्या, कि ये जो सॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा डायल्यूट है, कि 10⁻⁸ मोलर एच सी एल मीन इट इज ए वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डायल्यूट, और यदि वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन ये है तो इसका मतलब इसमें वाटर के एच प्लस आयन भी प्रेजेंट होंगे, मतलब कि यहाँ पे जैसे हमको ये पता है कि वाटर के अंदर कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन इक्वल होती है, जिनकी वैल्यू है 10⁻⁷, तो वाटर में भी 10 एच प्लस आयन प्रेजेंट है, एच सी एल में भी एच प्लस आयन प्रेजेंट है, तो टोटल एच प्लस आयन कितने हुए? तो बोलेंगे 10⁻⁸ तो एच सी एल के, और 10⁻⁷ जो है वो वाटर के एच प्लस आयन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻⁷ को निकाला एलसीएम, इधर से बचेगा 1 प्लस इधर से बचेगा 0.1, यानी कि ये बना 1.1 इंटू 10⁻⁷, वैल्यू है किसकी? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन की। हमें क्या निकालना है? तो पीएच, तो पीएच बराबर क्या होगा? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, सिंपल फॉर्मूला। नाउ माइनस लॉग बेस 10, वैल्यू पुट अप की 1.1 इंटू 10⁻⁷, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी लॉग 1.1 की, जिसकी वैल्यू होती है 0.04। इस वैल्यू को पुट अप करके आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर बनेगा 6.96, यानी कि लेस देन 7,
लेस देन सेवन, लेस देन सेवन ऑप्शन नंबर बी के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट, एक एलिमेंट है एक्स, बोला है कि इसके दो न्यूट्रल आइसोटॉप है, न्यूट्रल नहीं नेचुरल आइसोटॉप है, एक्स 5x10 जिसके एटॉमिक मास गिवन है, 5x11 जिसके एटॉमिक मास भी गिवन है, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दीज आइसोटॉप इन नेचर हैज बीन भी रिकॉर्डेड, इनका परसेंटेज एबंडेंस भी गिवन है। तो बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स इज क्लोज टू एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा ही है कि जो भी एलिमेंट गिवन है उसका एटॉमिक मास कितना गिवन है, तो लिखा 10.013। फिर चेक करो कितनी पर कितना परसेंट गिवन है, तो 19.8% है। सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास गिवन है 11.009, कितना परसेंट गिवन है, 80.2% गिवन है, और डिवाइड कर दो इसको 100 से। सॉल्व करेंगे इसको, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10.812 यूनिट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, मास 0.75 ग्राम ऑफ द मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 50 ml ऑफ 0.25 नॉर्मल HCl, द परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर इज। देखो पहली बात, हमको बोला कि सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का मिक्सचर का वेट है इतना, तो अपन ने क्या किया, लेट द वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट माना x, देन वेट ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा 0.75 माइनस एक्स ग्राम में, फिर इनका मॉलिकुलर वेट निकाला दोनों का, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए मॉलिकुलर वेट की तरफ जाएं तो 23 इंटू 2 प्लस कार्बन प्लस 16 इंटू 3, ये बनेगा 46 प्लस 60 106, और सेम ऐसे ही मॉलिकुलर वेट निकालेंगे पोटेशियम कार्बोनेट का, तो ये बनेगा 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 60 तो ये हो गया और 78 ही है, 78 प्लस 60 यानी कि बनेगा 138। दोनों का वेट पता है, दोनों का मॉलिकुलर वेट पता है, तो यहाँ से हम मोल निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट के मोल, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। सेम ऐसे ही पोटेशियम कार्बोनेट के मोल निकालेंगे, इसका वेट है 0.75 माइनस एक्स और अपॉन में 138। अब थोड़ा ध्यान से हो, दोनों के मोल हमारे पास आ गए, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि इन दोनों के जो मोल हैं वो इक्विमोलर हैं, या उसके दोनों के मोलों में कोई ये रिलेशन है कि इसके मोल ज्यादा इसके मोल कम, दोनों के मोल बराबर, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला। और जब ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम दोनों के मोल को बराबर करके सॉल्व नहीं कर सकते, और यदि बराबर करके सॉल्व नहीं कर सकते इसका मतलब क्वेश्चन में डेटा इनसफिशियंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डेटा नहीं है, तो कहेंगे डेटा इनसफिशियंट। ए बॉय गिफ्टेड ए डायमंड रिंग टू हिज मदर ऑन हर वेडिंग एनिवर्सरी, इफ द डायमंड रिंग कंटेन 3 कैरेट डायमंड देन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही गिफ्टेड टू हिज मदर इज, और 1 कैरेट में दे रखा है 200 mg, सिंपल सी बात है, कितने कैरेट टोटल, 3 कैरेट, मतलब वजन कितना है टोटल, वेट कितना है इसका, तो बोलेंगे सर वेट है हमारे पास 200 × 3 मतलब 600 mg, 600 mg का मतलब हो गया 600 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। अब जब इतना हमको वेट मिल गया तो वेट के बाद में हमको अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम तक जाना है, तो फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एन अपॉन एन, वेट है हमारे पास में 600 × 10⁻³, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, इसकी वैल्यू 6 × 10⁻³, सॉल्व किया 50 × 6 किया 300, 10⁻³ और 23 यानी कि 20 पूरा सॉल्व करेंगे बनेगा 3 × 10⁻², और 3 × 10⁻², सी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म फोम इन वाटर, फोम इन वाटर कंटेनिंग Ca+2 एंड Mg+2 आयन। मुझे एक बात बताओ, Ca+2 और Mg+2 आयन यदि किसी वाटर में प्रेजेंट है तो क्या वो नॉर्मल वाटर हो सकता है क्या, नहीं, हम कहेंगे वो हार्ड वाटर है। और फिर कह रहा है कि फोम क्रिएट करने, फोम फोम तब होगा जब उसमें हम डिटर्जेंट यूज करेंगे, क्योंकि ये तो हमको पता है कि सोप हार्ड वाटर में फोम फोम प्रोड्यूस नहीं करते,
हार्ड वाटर में फोम प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिएगा हमको? डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट यदि चाहिए तो डिटर्जेंट होते क्या है? तो बोलेंगे साहब डिटर्जेंट तो बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, उनको बोलते हैं डिटर्जेंट। स्टीरियल परमिटेट साबुन के यानी कि सोप के एग्जाम्पल है, और बेंजीन सल्फोनेट एग्जाम्पल डिटर्जेंट का। तो यही इसका आंसर बनेगा, पोटेशियम एंड डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर आईएपीटी का जो जूनियर साइंस का पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन जो अपने पास हैं उनका सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, माई सेल्फ अरुण शर्मा, ठीक है, टीम बायोलॉजी। तो उसमें अपने पास आईएपीटी में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल टीचर्स का बायोलॉजी का जो सॉल्यूशन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है या नंबर में है 17। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन है, इन एनिमल्स हार्ट इज द मेन पंपिंग स्टेशन, क्लियर, सप्लाइंग एंड कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इन मेमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेगुलेट द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड फाउंड बिटवीन लेफ्ट ओरिकल एंड वेंट्रिकल। लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसके बीच में जो अपने पास वॉल्व होता है उस वॉल्व के बारे में पूछा है। तो आपको हमें पता है कि हर्ट जो होता है, मेमल्स हर्ट आर डिवाइडेड इन फोर चैम्बर्ड। ठीक है, फोर चैम्बर्ड में अपने पास राइट ओरिकल होता है, ठीक है, लेफ्ट ओरिकल होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अपने पास है लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसके बीच में यहाँ कौन सा वॉल होता है, क्लियर। आपको पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ वॉल होता है उसको अपन बोलते हैं ट्राई कैप्सिड, ट्राई कैस्पिड, ट्राई कैस्पिड वॉल। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्राई कैस्पिड वॉल। जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन जो वॉल होता है उसको अपन बोलते हैं बाई कैप्सिड, बाई कैस्पिड वॉल, बाई कैस्पिड वॉल बोलते हैं। ठीक है, बाइक स्पीड वॉल यहाँ अपने पास ऑप्शन में नहीं है, लेकिन बाइक स्पीड वॉल के जो है उसी का जो अदर नेम होता है वो होता है मिट्रल वॉल। क्या नाम होता है? मिट्रल वॉल, क्लियर। आपको क्या पूछा गया है कि लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बिटवीन वॉल होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे बोलते हैं बाइक स्पीड वॉल या फिर बोल सकते हैं अपन मिट्रल वॉल। तो यहाँ अपने पास ये ऑप्शन मिलेगा आपको डी में, मिट्रल वॉल, क्लियर। तो इसका आंसर जाएगा अपने पास फोर्थ डी, बाइक स्पीड वॉल या मिट्रल वॉल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द यूनिट्स इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। जो नर्वस सिस्टम है उसमें रिफ्लेक्स आर्क जो प्रोसेस होती है, जो रिफ्लेक्स आर्क की प्रोसेस होती है उनमें कौन कौन सी यूनिट जो है इन्वॉल्वड होती हैं? तो आपको पता है कि उसमें न्यूरॉन्स के लिए मेनली जो यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं उनमें होता है अपने पास रिसेप्टर होता है, सिंगल वन रिसेप्टर न्यूरॉन होता है, वन और मोर इंटरन्यूनशियल न्यूरॉन्स होते हैं और इफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं, क्लियर। रिसेप्टर न्यूरॉन्स होता है केवल सिंगल, यहाँ अपने पास टू रिसेप्टर न्यूरॉन है, ये गलत हो गया अपने पास। यहाँ स्टिमुलर रिसेप्टर है, सही है, लेकिन एफरेंट नर्व है वो गलत हो गया अपने पास। तो अपने पास यहाँ सही आंसर है अपने पास सी, जहाँ वन रिसेप्टर न्यूरॉन होगा, वन और मोर इंटरन्यूनशियल न्यूरॉन होगा और एन इफेक्टर न्यूरॉन्स होगा, क्लियरली। तो रेप्लेक्स आर के लिए मोस्ट इन्वॉल्वड है जो यूनिट्स होती हैं वो ये होती हैं अपने पास, जिसका आंसर होगा थर्ड, क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 19, थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग म्यूटेशन ब्रीडिंग टू साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स न्यू इम्प्रूव्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ एक्सक्लूसिवली डिस्टिंक्ट हाइब्रिड आर ऑब्टेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड जो है वो अपने पास इस ऑप्शन में, यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं उनमें साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड जो है वो एक तो है अपने पास पोमेटो और एक होता है ब्रोमेटो। हमें मालूम है कि पोमेटो जो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड है इसका फॉर्मेशन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से किया गया है, क्रॉस ब्रीडिंग से किया गया है ये बोल सकते हैं अपन, जिसमें पोमेटो का जो क्रॉस ब्रीडिंग है पोमेटो का फॉर्मेशन कौन कौन से
प्लांट के साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन के क्रॉस ब्रीडिंग से किया गया है। उसमें एक तो होता है अपने पास पोटेटो और सेकंड होता है टोमेटो। पोटेटो और टोमेटो के क्रॉस ब्रीडिंग से जो साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड जो ऑप्टेन किया गया है उसका नाम है अपने पास पोमेटो, क्लियर। और ब्रोमेटो जो होता है वो किया जाता है टोमेटो और ब्रिंजल के साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन से, क्लियरली। तो यहाँ अपने पास थर्ड आंसर आएगा सी, पोमेटो एंड ब्रोमेटो आर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 20, इन ए काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू ऑल सेल्स ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। एनिमल टिश्यू सेल्स हैं जिनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऑल टिश्यू जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, बट द बेसल सेल डू नॉट रीच द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथीलियम, क्लियर। टू लेयर्स ऑफ सेल्स एंड टू लेयर ऑफ न्यूक्लियाई आर देयरफॉर ऑब्जर्वेबल थस विदाउट बींग स्टेटिफाई द एपिथीलियम अपियर्स। एपिथीलियम जो है वो दो और तीन लेयर्स में अपियर है, ठीक है। सच एपिथीलिया आर मोस्टली सिलेटेड एंड कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग गोब्लेट सेल्स। दीज एपिथीलिया आर करेक्टरिस्टिक्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये आपको कुछ करेक्टर्स दे रखे हैं ह्यूमन, या आप कह सकते हैं कि एनिमल जो होता है उसमें फोर टाइप्स के जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनमें एपिथीलियम टिश्यू जो है उसके बारे में पूछा गया है। एपिथीलियम टिश्यू के कुछ करेक्टर्स अपने को क्या है दिए गए हैं, उन करेक्टर्स को देख करके अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये करेक्टर्स कौन कौन से ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपने को ये दे रखा है कि एपिथीलियम जो है वो दो और तीन लेयर्स में प्रेजेंट है, मोस्टली जो है सिलेटेड होती है और म्यूकस सिक्रेटिंग होती है, म्यूकस सिक्रेटिंग गोब्लेट सेल्स होती है। ऐसी जो एपिथीलियम होती है वो मेनली आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, ट्रेकिया में मिलेगी, ट्रेकिया के अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग गोब्लेट सेल्स होती हैं, वासा डेफरेंसिया में मिलेगी और एपिडीडाइमस में मिलेगी, क्लियरली। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास फोर्थ, क्लियरली। और ये जो इनके अंदर जो टिश्यू होता है एनिमल सेल में वो होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाई टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाई सिलेटेड कोलुमुलर एपिथीलियम होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाई सिलेटेड कोलुमुलर एपिथीलियम होता है जो ट्रेकिया में होता है, वासा डेफरेंसिया में होता है और एपिडीडाइमस में होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 21, फिनाइल थायोकार्बामाइड जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, फिनाइल थायोकार्बामाइड पीटीसी जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं, ये एक थायो, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हैज बीटा टेस्ट नॉन टेस्टिंग एबिलिटी इज रिपोर्टेड, जिसमें अपने को नॉन टेस्टिंग एबिलिटी रिपोर्टेड हुई है टू बी ड्यू टू रिसेसिव एलील, ठीक है। ये रिसेसिव एलील के कारण होती है जो जिसमें कौन से जीन होते हैं, टेस्टर जीन होते हैं। इन रैंडम पॉपुलेशन, जब रैंडम पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया गया तो अबाउट 30% पीपुल लैक ऑफ द एबिलिटी टू टेस्ट पीटीसी, क्लियरली। ए नॉन टेस्टर वुमेन इज मैरिड, एक नॉन टेस्टर वुमेन है जिसके शादी की गई, मैरिड किया गया टू ए पीटीसी टेस्टर मैन के साथ एंड हैज थ्री चिल्ड्रेन, जिसमें थ्री, जिसके तीन चिल्ड्रन हैं, ठीक है। द फर्स्ट टू चिल्ड्रेन आर बॉर्न एज नॉन टेस्टर, ठीक है। फर्स्ट दो बच्चे जो हैं बॉर्न है नॉन टेस्टर हैं, ठीक है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर थर्ड चाइल्ड विल बी बॉर्न ए नॉन टेस्टर, जो थर्ड चाइल्ड है वो उसके नॉन टेस्टर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसको अपन देखते हैं। जैसे नॉन टेस्टर वुमेन, ठीक है, नॉन टेस्टर वुमेन है अपने पास और टेस्टर मैन है, टेस्टर मैन है। नॉन टेस्टर वुमेन के लिए अपन जो गैमेट लेते हैं वो है स्मॉल टी, ठीक है, और टेस्टर मैन के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये ऑटोसोमल रिसेसिव एलील होता है जो होमोजाइगस कंडीशन में जो होता है वो विजिबल होता है, ठीक है। तो नॉन टेस्टर वुमेन जो होता है उसमें केवल सिंगल टाइप के गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी, क्लियर। और टेस्टर जो मैन है उसमें दो टाइप के गैमेट हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्लियर। जब आप इसकी नेक्स्ट में अपन इसका चेकर बोर्ड बनाते हैं, तो चेकर बोर्ड बनाएंगे तो चेकर बोर्ड में अपने पास दो टाइप के गैमेट, टेस्टर मैन में कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट, और इधर जो गैमेट है वो सेम गैमेट है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। चेकर बोर्ड बना करके इसका रेशियो ऑब्जर्व करते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी
इस गैमेट का इसके साथ क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका इसके साथ क्रॉस करवाया स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये दोनों जो स्मॉल टी हैं ये किसको दर्शा रहे हैं? नॉन टेस्टर वुमेन को, मतलब ये नॉन टेस्टर चाइल्ड को इंडिकेट करते हैं। ये है नॉन टेस्टर चाइल्ड, नॉन टेस्टर चाइल्ड, क्लियर। और ये जो है अपने पास दोनों, ये क्या है? टेस्टर चाइल्ड, ये क्या है? टेस्टर चाइल्ड। आपको पूछा गया है थर्ड चाइल्ड विल बी बॉर्न ए नॉन टेस्टर, थर्ड चाइल्ड है वो नॉन टेस्टर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेंगे, नॉन टेस्टर की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी है? 50% और 50% है टेस्टर की। तो नॉन टेस्टर की प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी होगी? 50%। मतलब 50% का मतलब यहाँ अपने पास कौन सा आंसर जाएगा? सेकेंड, ठीक है, 0.50, यानी आधे, हाफ जो है वो टेस्टर है और हाफ जो है वो नॉन टेस्टर चाइल्ड है, क्लियरली। तो हाफ का मतलब 0.50, क्लियर। तो इसका आंसर जाएगा अपने पास सेकंड बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 22। द डायग्राम प्रेजेंटेड हियर सेक्शनल व्यू ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये अपने पास कोई डायग्राम दिया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड का, सेक्शनल व्यू का डायग्राम है, जिसमें इट्स हिस्टोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स लेयर आर लेबल्ड एज 1, 2, 3, 4। इसमें कुछ लेयर्स हैं उनको इंडिकेट किया गया 1, 2, 3 और 4 के फॉर्म में, ठीक है। विच ऑफ देयर इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ C21 कोर्टिसोल। कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने वाली लेयर्स कौन सी हैं? तो पहले तो अपने को ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी लेयर ऐसी है जो कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है। कोर्टिसोल हार्मोन को और कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करने वाली जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। और यहाँ जोना फेसिकुलेटा जो है वो ये है अपने पास सेकंड लेयर, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। इस जोना फेसिकुलेटा लेयर से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, क्लियर। और ये जो थर्ड ये है अपने पास जोना रेटिकुलरिस, और जोना रेटिकुलरिस से रिलीज होने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? कोर्टिकोस्टेरोन। तो ये है अपने पास जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, क्लियर। और इसके द्वारा अपने कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कोर्टिकोस्टेरोन। तो आपको पूछा गया है कि इनमें कौन कौन सी लेयर ऐसी हैं जो कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं? तो अपने पास कंटिन्यूसली टू लेयर्स, सेकेंड लेयर जो है वो जिसको अपन जोना फेसिकुलेटा बोलते हैं वो कोर्टिसोल को रिलीज करती है, और जोना रेटिकुलेरिस है जो थर्ड लेयर है वो किसको रिलीज करती है? कोर्टिकोस्टेरोन। तो सेकेंड एंड थर्ड ये अपने पास फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट अराइज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमैनेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। यानी ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स जो है उसके ग्रेजुअल वीकनेस होने से कौन सी डिजीज कोज होती है? तो उसे होती है प्रेस बायोपिया, उसे कौन सी डिजीज होती है? प्रेस बायोपिया, क्लियरली, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 24, ये रहा अपने पास 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनगोमियस ग्रेन मॉथ। ये एनगोमियस ग्रेन मॉथ जो होता है जो क्या करता है, जो डैमेज करता है स्टोर्ड ग्रेन को, स्टोर्ड जो ग्रेन होता है जैसे पेडी है, वीट है, ये स्टोर्ड ग्रेन होते हैं उनको क्या करता है, ये डैमेज करता है। तो इस एनगोमियस ग्रेन को प्रेजेंट करने वाला इनमें कौन सी स्पीसीज होती है? एनगोमियस ग्रेन मॉथ को जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सिटोट्रोगा स्पीसीज, सिटोट्रोगा स्पीसीज, ये इसका साइंटिफिक नेम है एनगोमियस ग्रेन मॉथ का, सिटोट्रोगा स्पीसीज, जो क्या करती है स्टोर्ड ग्रेन जो होती है उसको डैमेज करती है, डिस्ट्रॉय करती है, क्लियर। इसका सही आंसर आएगा अपने पास सिटोट्रोगा स्पीसीज, सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास 25 नंबर का क्वेश्चन है, टू इफेक्ट फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड गिव आउट पोलन ट्यूब्स विच ग्रो थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ऑयल वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज क्लोज टू एग
सपोज ए ब्रिंजल प्लांट हैज़ टू प्रोड्यूस 300 सीड्स इन ए पर्टिकुलर फ्रूट, ठीक है। ब्रिंजल का एक प्लांट है जिसमें क्या है 300 सीड है एक पर्टिकुलर ब्रिंजल के फ्रूट में। हाउ मेनी सेल डिविजन्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस डिजायर्ड फ्रूट, इस डिजायर्ड फ्रूट के प्रोड्यूस होने के लिए कितने सेल डिविजन अपने को चाहिए। तो यहाँ अपने पास दो टाइप के गेमिट होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है कि एक तो होता है अपने पास मेल गेमिट, ठीक है, और एक होता है अपने पास फीमेल गेमिट, और इनके फ्यूजन से अपने पास क्या बनेगा जाइकोट बनेगा और वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ओव्यूल कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। तो यहाँ अपने पास मेल गेमिट और फीमेल गेमिट चाहिए। तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के फॉर्मेशन के लिए अपने को पता है कि यहाँ होती है अपने पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको अपन शॉर्ट में MMC बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर वन अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है और उसमें अगर अपन मियोसिस करते हैं तो उससे अपने को 4 माइक्रोस्पोर ऑब्टेन होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। यानी 4 माइक्रोस्पोर प्राप्त करने के लिए अपने को एक मियोसिस करना पड़ेगा, कितनी सेल्स में, 1 MMC में, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल में, क्लियर। और फीमेल गेमिट में क्या होता है कि यहाँ पर भी अपने पास जो है वो मेगास्पोर मदर सेल होती है, MMC होती है, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें क्या होता है मियोसिस होता है। मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो सिंगल मियोसिस से अपने पास यहाँ पर भी 4 मेगास्पोर ऑब्टेन होंगे, लेकिन 4 में से 3rd मेगास्पोर जो होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में डिजनरेट हो जाते हैं और केवल 1 मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनली होता है। कहने का मतलब आपको 1 MMC मेगास्पोर मदर सेल में एक बार जब मियोसिस करोगे तो केवल एक ही मेगास्पोर फंक्शनल मिलेगा, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर मिलेगा, क्योंकि 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक मियोसिस से 1 मेगास्पोर, इसका मतलब आपको 300 आपको यहाँ मेगास्पोर बनाने हैं, इसका मतलब आपको यहाँ 300 टाइम मियोसिस करना पड़ेगा, क्लियरली। और यहाँ एक से अपने पास 4 माइक्रोस्पोर मिलते हैं, इसलिए यहाँ 300 से में कितनी बार मियोसिस करना पड़ेगा 75, यानी 300 माइक्रोस्पोर अगर अपने को ऑब्टेन करने हैं तो अपने को 75 पे टाइम्स जो है वो मियोसिस करना पड़ेगा। यानी 75 टाइम्स जब मियोसिस होता है तो अपने पास 300 मेल गेमिट्स यानी आप ये कह सकते हो कि माइक्रोस्पोर मिलेंगे, और फीमेल गेमिट या मेगास्पोर के लिए अपने को 1 मेगास्पोर के लिए एक बार मियोसिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो डिजनरेट होते हैं, केवल एक ही फंक्शनल बचता है। तो कुल मिलाकर के दोनों से यहाँ आपको 300 टाइम्स मियोसिस करना पड़ेगा और यहाँ 75 टाइम्स मियोसिस करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के टोटल 375 टाइम्स मियोसिस करना पड़ेगा, तब आपको 300 सीड्स मिलेंगे। तो यानी ब्रिंजल के 300 सीड्स ऑब्टेन करने के लिए आपको 375 टाइम्स जो है वो म्यूटिक डिवीजन करने पड़ेंगे, क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 26। इन द किंगडम प्लांटी विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इन कंसिडर्ड पेक्यूलर विशिष्ट जो होता है फॉर द एनाटॉमिकल करेक्टर नेमली कैरिनल कैनाल्स। कैरिनल कैनाल्स और वेक्युलर कैनाल्स जो होती हैं वो एक पेक्यूलर करेक्टर होता है किसका, एक्विसिटम का। सिंपल क्वेश्चन है, अपने को ध्यान रखना है कि एक्विसिटम जो होता है उसका एक कैरिनल कैनाल और वेक्युलर कैनाल्स की प्रेजेंस जो होती है वो एक स्पेशल करेक्टर होता है एक्विसिटम प्लांट्स का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास 27। द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑन द क्रोमोसोम ऑलवेज हैज कंस्टेंट पोजिशन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्रोमोसोम का क्या है, वो एक कॉन्स्टेंट पोजिशन होती है, देयर फॉर इट कैन बी यूज एज ए मार्कर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक क्रोमोसोम। ये एक मार्कर के रूप में यूज किया जाता है जो कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम की आइडेंटिफाई के लिए करते हैं। इन एडिशन टू द सेंट्रोमियर वन और मोर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन मेटाफेज स्टेज क्रोमोसोम। दीज क्रोमोसोम और कॉल्ड सेटेलाइट क्रोमोसोम बोल सकते हैं, या इनको अपन सेट क्रोमोसोम बोल सकते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन में जो सेट क्रोमोसोम या सेटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं उनके नंबर होते हैं 13, 14, 15, 21 एंड 22,
ठीक है, आपको यही पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन फॉर सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, यानी सेट क्रोमोसोम जो होते हैं उनके नंबर कौन कौन से होते हैं। इन ह्यूमंस में, इन ह्यूमन में सच एज ए क्रोमोसोम सेट क्रोमोसोम आर नंबर 13, 14, 15, 21 and 22। क्लियर, तो इसका आंसर होगा अपने पास सेकंड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 28 और ये रहा अपने पास 28 क्वेश्चन। इन सम प्लांट्स द सेकेंडरी सेल वॉल हैज डिप्रेशंस और पिट्स, एडजेसेंट पिट्स आर सेपरेटेड बाय द मिडिल लेमेला एंड द प्राइमरी सेल वॉल टुगेदर फॉर्मिंग द पिट मेम्ब्रेन। ये पिट मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो सर्कुलर डिपोजिशन से होता है माइक्रोफाइबल्स के, जो थिकनिंग होती है उसकी वजह से, जिसको अपन बोलते हैं टोरस। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा अपने पास सेकंड, टोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 29। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का अरेंजमेंट दिया गया है एंड देयर मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द शूट सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक्स टू ए पर्टिकुलर प्लांट। द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन गिवन हियर विद इलस्ट्रेट्स वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस। ये वेरियस टाइप के इन्फ्लोरेंस के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। आपको देखना है कि सिलेक्ट द ऑप्शन एग्जाम्पल काइंड ऑफ साइमोस टाइप का, इनमें साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेंस कौन सा होता है। साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस जो होती है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं करती। साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेंस में जो मेन एक्सिस डज नॉट कंटिन्यूसली ग्रोथ, बट फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन टर्मिनल साइड, यानी फ्लावर जो होते हैं ना टर्मिनल साइड में प्रेजेंट होते हैं और मेन एक्सिस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करते। तो इसमें आपको ऐसे ऑप्शन डायग्राम में देखने जो साइमोस टाइप का हो इन्फ्लोरेंस। तो फेस्ट देखते हैं, फेस्ट में देखो यहाँ जो मेन एक्सिस है उस मेन एक्सिस पे फ्लावर लगा हुआ है और बाकी जो फ्लावर है, जो अदर फ्लावर है वो कहाँ लगे हुए हैं, टर्मिनल लगे हुए हैं। इसका मतलब ये साइमोस टाइप का है, ठीक है। तो फेस्ट जो है वो साइमोस टाइप का है, सेकेंड ये इसमें सब क्या है इक्वल है, मेन एक्सिस पे कोई फ्लावर नहीं है इसका मतलब ये साइमोस नहीं है, इसमें भी मेन एक्सिस पे कोई फ्लावर नहीं है टर्मिनल ही है ओनली, ये साइमोस टाइप का नहीं है। थर्ड जो है उसमें देखो मेन एक्सिस पे फ्लावर लगा हुआ है इधर भी और बाकी टर्मिनल लगे हुए हैं, इसका मतलब ये साइमोस टाइप का, ठीक है। ये अपने पास साइमोस टाइप का नहीं है क्योंकि मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है। इसका मतलब साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेंस होता है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट में और थर्ड नंबर में, फर्स्ट और थर्ड में, और फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने पास यहाँ मिलता है सी में। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 30। जीन्स दैट आर नॉर्मली इंपॉर्टेंट इन मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस इंक्लूड मेंबर ऑफ ऑल द फॉलोइंग क्लासेज, यानी मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए इंक्लूड जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने पास नॉर्मली यहाँ दिए गए हैं जीन्स, उनमें से ऐसा कौन सा है जो मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस में इंक्लूड नहीं होता। तो उसमें प्रोटोनको जीन्स इंक्लूड होता है, ग्रोथ फैक्टर जीन्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, हॉक्स जीन जो होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो ट्यूमर सप्रेशन जीन को छोड़ करके बाकी जो हैं वो सब मेमेलियन एम्ब्रियोजेनेसिस में इंक्लूड होते हैं, क्लियरली। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 31। ड्यूरिंग ए टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकरिंग एट नाइट वाइल द स्टोमेटा आर स्टिल ओपन, जो रात के समय है नाइट के समय स्टोमेटा ओपन होते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 विथ ए फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में 4-carbon ऑक्सलोएसिटिक एसिड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स टू विच काइंड ऑफ इकोलॉजिकल टाइप ऑफ प्लांट दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू, यानी C4 प्लांट कौन सा है, क्लियरली, जिसमें C4 साइकिल चलता है वो C4 सी प्लांट, जिसमें मेनली अपने पास यहाँ कौन से प्लांट आएंगे जो डेजर्ट प्लांट है वो आएंगे। तो आपको पता है कि कोकस जो होता है, कोकोस जो होता है न्यूसिपेरा जिसको अपन नारियल बोलते हैं, ये इसमें नहीं आएगा। राइजोफोरा जो होता है ये भी नहीं आएगा, ये मैग्रो प्लांट होता है। एलोय जो होता है ये डेजर्ट प्लांट है जिसमें C4 साइकिल होगा, जिसमें नाइट एट द नाइट टाइम जो होता है स्टोमेटा आर क्या होते हैं ओपन होते हैं, ठीक है। और वेलिसनेरिया अपने पास हाइड्रोफाइट प्लांट है, ठीक है, तो आपको सही आंसर मिलेगा इसमें एलोय, क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 32। सम प्लांट्स आर स्पेशली कॉल्ड हेमी पैरासिटिक,
हेमी पैरासिटी के एपिफाइट्स। इंक्लूड अमोंग देम आर द प्लांट्स कॉल्ड एज मिस्टलियोट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन हेमी पैरासाइट। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन हेमी पैरासिटी कौन है जो इंडिया में पाया जाता है, और उनमें जो मोस्ट कॉमन हेमी पैरासाइट है जो इंडिया में पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं डेंड्रोपथेया फैलकटा। क्या बोलते हैं? डेंड्रोपथेया फैलकटा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अपने पास सेकंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व आईएपीटी 2023 पेपर हेल्ड फॉर जूनियर साइंस ऑन 26 नवंबर। सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 33। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल फॉर टू ब्लॉक्स। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल देन वेलोसिटी विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। देन स्पीड ऑफ बॉडी ए टू दैट ऑफ बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ बॉडी बी टू मास ऑफ ए। मास ऑफ बी इज 4, दैट ऑफ ए इज 1, दैट इज इक्वल टू 2/1। देन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ब्लॉक ए टू दैट ऑफ बी विल बी 2:1, बट इन स्टेटमेंट इट इज गिवन 1:2, सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। फॉर स्टेटमेंट 2, लीनियर मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गिवन एज पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज सेम, दैट मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m। तो मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए टू दैट ऑफ ब्लॉक बी इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ए टू दैट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी। मास ऑफ ब्लॉक ए इज 1 एंड बी इज 4, इट विल बी 1/2। मीन्स रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक ए टू दैट ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1:2, सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नाउ इन ऑप्शंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, S1 इज फॉल्स एंड S2 इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ ए स्ट्रिंग स्ट्रेट कॉपर वायर इज 20.95 ग्राम। इन दिस क्वेश्चन वी विल मूव फ्रॉम द रेजिस्टेंस दैट इज गिवन एज रो एल बाय ए। नाउ आई विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नाउ इट विल बिकम्स रो एल स्क्वायर अपॉन वी, बट वी नो दैट डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। फ्रॉम हेयर वॉल्यूम कैन बी गिवन एज मास अपॉन डेंसिटी। लेट्स रिप्लेस वैल्यू ऑफ वी, देन रेजिस्टेंस विल बिकम्स रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम विल बी एम अपॉन डी। नाउ देन रेजिस्टेंस विल बिकम्स रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम। नाउ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन एज 0.065 ओम। रेजिस्टिविटी इज गिवन एज 1.7 × 10⁻¹⁸। इंटू लेंथ वी हैव टू कैलकुलेट एंड डेंसिटी इज गिवन एज 8900 एंड मास इज गिवन एज 20.95 ग्राम। लेट्स कन्वर्ट इट इंटू केजी। सो बाय सोल्विंग वी विल गेट लेंथ विल बी इक्वल टू 3 मीटर। सो वी हैव टू स्टार्ट बाय द रेजिस्टेंस दैट विल बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन रो एल बाय ए। लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लेंथ एंड लेट्स कन्वर्ट द रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑफ कंडक्टर एंड देन पुट द वैल्यूज। वी विल गेट लेंथ दैट इज क्लोज टू 3 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इट इज नोन दैट स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। देन V2 बाय V1 विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाय T1। V2 इज गिवन
वी टू मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर व्हेन वेलोसिटी वॉज मेजर्ड 360. इनिशियल वेलोसिटी इज 332 एट 0 डिग्री सेल्सियस. देन टेम्परेचर वैल्यू वी हैव टू पुट इन केल्विन. देन 273 प्लस टी अपॉन इनिशियली टेम्प वेलोसिटी और स्पीड 332. इट वॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस मीन 273 प्लस 0. नाउ बोथ द टेम्परेचर्स वैल्यूज आर पुट इन converted in Kelvin. Now by solving from here we will get temperature will be close to 48 degree Celsius. So we have to move by the relation speed directly proportional to the square root of temperature and just put the values. So correct option will be option D, 48 degree Celsius. Then let's move to the next question. Question 36. Now it is very theoretical question and very simple question. Don't need to bother. Let's move. A small bar magnet is allowed to fall vertically through a metal ring. Suppose करिए that is a metal ring that is in horizontal plane and a bar magnet is moving towards it. Then according to Lenz's law, direction of current induced in the metal ring lying in the horizontal plane will be such that it will oppose the regions due to which it was produced. And induced current in ring is produced due to the motion of magnet towards the ring, means it will oppose the motion of magnet towards the ring, means it will behave as north pole and other side will behave as south pole. Means if there was no metal ring, then magnet have to move with acceleration that will be equal to g, means acceleration due to gravity. But now according to Lenz's law, its acceleration will be less than g. And second question, when it has moved down second position, suppose bar magnet is at this position. Now induced current will be such that it will oppose the reason due to which it was produced. Now it was produced because magnet is moving away, means current will be produced such that it will oppose it, means it will behave as north pole and that is behave as south pole. Now due to induced current there will be a force of attraction. Then again its net acceleration will be less than g. Now next is there are two options less than g. One is about uniform and another is about non-uniform. Let's move to this theory. When magnet moves towards the it, then magnetic field linked to the coil that will change with time, but this change is non-uniform, means dB by dt linked to the coil of linked to the plane of ring is not uniform. Means change in magnetic field linked to the plane of ring is not uniform, due to which acceleration is non-uniform. So correct option will be C. Let's move to the next question, that will be question number 37. Again, very easy question. We know that in a liquid, pressure will be same at the same heights. Means, if I will assume pressure at this point P1 and at this point P2, both of them will be equal. Means P1 is equal to P2. P1, we will calculate pressure that will be equal to atmospheric pressure plus rho of water into g and h, height of water column in left limb, that is equal to P2 atmospheric pressure plus density of hg into g into height of mercury column, that is denoted by capital H. Now they will move out. Then density of water into g h equal to density of hg into g into h. Now we have to calculate the value of small h, means height of water column. Density of water
इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, लेट्स पुट वैल्यू ऑफ जी इनटू एच वी हैव टू कैलकुलेट, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13600 इनटू जी एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल एच इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर. नाउ आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट वैल्यू ऑफ स्मॉल एच दैट विल बी इक्वल टू 0.204 मीटर एंड इफ इट कन्वर्ट इन इनटू सेंटीमीटर देन इट विल बी इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. तो वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप यू ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू डू दैट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 38. एन ऑब्जेक्ट पिन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस. लेट्स मूव दैट विल बी ए थिन, इट विल बी ए थिन कॉन्वेक्स लेंस. Suppose it is a focal point F, it is also focus F. An object is placed at a distance P from the focus and its image forms at a distance Q from the image behind the lens. Then we have to calculate its focal length. Then its focal length is given by the formula of the square of product of P and Q. Here P and Q are given 10 and Q is given 40 centimeter. Then after calculation we will get 20 centimeter. So we just have to apply this formula. So very easy question. Okay, let's move to the next question, that will be question number 39. Very nice question. First, a bullet of mass 0.25 kg will hit the vertically suspended block and embedded in it, means perfectly inelastic collision, and in perfectly inelastic collision momentum will be conserved. Let's first apply momentum conservation. Yani initially mass of bullet is 0.25 into its velocity, let's given v, plus momentum of block that is initially at rest, that is equal to, now bullet is embedded in it, means total mass will be 0.25 plus 1 kg into let's velocity is v dash. So now velocity v dash after solving we will get, it will be v by 5. It will be velocity of the block after bullet will get embedded in it, that v has given v dash. So we will get velocity of the block after bullet is embedded in it, it is by momentum conservation. Now we have to calculate height as attained by the block. So now we will apply energy conservation. Energy conservation, initially loss in kinetic energy will be equal to gain in potential energy, and loss in kinetic energy finally at maximum height kinetic energy will becomes equal to zero, means initial kinetic energy will be equal to gain in potential energy. Initially it will be now just by putting the values m plus m, it will become 1.5 into velocity v dash, means v by 5, m plus m, it will be total mass 1.25, its value of g is equal to given to s 9.8. so let's put the value equal to 9.8 and height h that is given to as 19.6 centimeter. So let's convert it into meter.
तो आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी विच इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इट विल बी फाइंड एज 9.8 मीटर पर सेकंड. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. सो फर्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वी हैव टू अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेकंड आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. सो वेरी नाइस क्वेश्चन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन वेल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 40 एंड इट विल बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, इफ वी विल रीअरेंज दिस सर्किट, 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, दैट विल बिकम्स इक्वल टू 2 ओम. नाउ इफ वी विल अरेंज देम, दिस सर्किट विल बिकम समथिंग लाइक then it will be 3 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm and it will become 2 ohm equivalent resistance and now it is connected and this point is given A and this point is given B. Now we have to again rearrange the circuit, then point A and this point both are connected with a wire, means both are equipotential point, and this point and B are also equipotential point because they are connected with a wire. So let's rearrange the circuit, it will become something like it will be 3 ohm, that will be 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm and 1 ohm. Now both these 1 ohm resistance are in parallel and these are also in parallel, so it will becomes equal to 0.5 ohm. That is point B and that is point A, equal to 0.5 ohm, 0.5 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Now 0.5 ohm, 3 ohm and 0.5 ohm all are connected in series, then equivalent resistance will be 3 plus 0.5 plus 0.5, means it will be, it will becomes equal to 4 ohm. And now both are connected in parallel, so equivalent resistance will be 4 into 2 upon 4 plus 2, 4 into 2 upon 4 plus 2, so that will be equal to 8 by 6, that means equal to 4 by 3 ohm, and 4 by 3 ohm will be option number B. Means we have to rearrange the circuit, initially both are connected in parallel, circuit will becomes like this. Now we have to rearrange the circuit by connecting the equipotential points, this will become like that and now it will be easy to solve. So correct answer will be 4 by 3 ohm. Now let's move to the next question, that will be question number 41. The order of magnitude of the pressure in Pascal exerted by an adult human, it will be close to 10 ratio power 5 Pascal, but that is not given in the answer. So option closest to it will be 10 ratio the power 4.
तो इट विल बी ए क्वेश्चन थ्योरिटिकल दैट वी हैव टू रिमेंबर बाय आवर कॉमन सेंस. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 10^4. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. नाउ हियर अगेन वी हैव टू रीअरेंज द सर्किट. पॉइंट ए, लेट्स मूव गिव इट टू पॉइंट वन एंड दैट इज गिव पॉइंट टू. ए एंड पॉइंट टू आर इक्विपोटेंशियल, बी एंड पॉइंट वन आर इक्विपोटेंशियल, देन लेट्स रीअरेंज द सर्किट एंड इट विल बी बिकम लाइक. It is given to us. It will be B1, B2, and B3. Let's current flowing through B1 will be I1, through it will be I2, and through B3, current flowing will be I3. And let total current flowing through the fuse box will be I. Then, power and voltage rating is given to us in the question. And we know that power P is equal to VI. Then from here I is will be equal to P upon V. Then I1, it will be, because in rating of bulb voltage is 200 volt and applied voltage is also so 200 volt. Then I1 will be equal to P1 by V1. P1 is given 100 and V is 200, so that will be equal to 0.5 ampere. Similarly, I2 will be P2 by V2. P2 is given 60 and voltage is equal because in connected in parallel 0.3 ampere. And current flowing through bulb B3 will be equal to because that is 40 watt bulb equal to 0.2 ampere. Then net current flowing through the fuse box will be equal to I1 plus I2 plus I3 and that will be 0.5 plus 0.3 plus 0.2, that we will go 1 ampere. So 1 ampere current is flowing through the fuse box, then current rating of fuse box should be greater or equal to 1 ampere. And that type of option is option number 4. So correct option is option D. Yani electric current rating of fuse box should be 1 ampere or greater than 1 ampere. So correct option is D. Now let's move to the next question. That will be question number 43. Now, an ant is sitting on the principal axis of a convex mirror of focal length f. In convex mirror, image is always formed behind the mirror. If object is at infinity, image will be formed at the focus behind the mirror. Now, next question. It starts moving on principal axis towards the mirror. Means ant is moving towards the mirror along the principal axis. If this is happening, this means image is also moving towards the mirror, and convex mirror will be something like that will be focal point, and at somewhere distance equal to 2f, an ant is sitting and now it is moving towards it. In convex mirror, image is always formed behind the mirror and between the focal point and the pole of the mirror. As object movement aren't moving towards it, then it image will move towards the
mirror. Then distance between the ant and its image will decrease continuously. And such type of option is option number B. Means this distance will always increase. Maximum distance between object and the image will be when object is placed at infinity. Then it will continuously decrease. So correct option will be B. Now let's move to the next question. That will be question number 44. You are given three registers, which now if all the three registers are connected in series, then maximum resistance will be found. And if they are connected in parallel, like all three resistors are connected in parallel, now their equivalent resistance will be less than 1 ohm, means it will be less than 2 ohm, because in parallel equivalent resistance will be smaller than the smallest. The smallest resistance is 2 ohm. Now which resistance cannot be found? In option 2 it will can also be found. Let's move to the arrangement by which this resistance can be get. Now if we will solve this arrangement, it will give equivalent resistance equal to 4.4 ohm. And for option C, if we will arrange these three resistors such that now their equivalent resistance will be equal to 5.5 ohm. So option A, B and C means by the combination of these three resistors, 4.4 ohm, 5.5 ohm and less than 2 ohm can be found. But by any combination, we cannot find resistance that will be equal to 7.6 ohm. So correct option will be option D. So let's move to the next question. That will be 45. In this question, we have to apply energy conservation, means energy lost while moving from A to C, that will be equal to the work done by frictional force. Force on bead. So energy loss means initially it start to move from A and finally it will come to rest at C, means kinetic energy is zero at both the positions. So total change in energy will be equal to change in potential energy, and that will reduce by mg into delta H equal to work done by friction force, that will be equal to distance covered by it into average frictional force. Mass is given 3 gram, let's convert it into kg. Value of g is equal to 9.8 meter. Change in height 0.5 to 0.3, 0.5 minus 0.3 equal to distance covered is 0.8 into frictional force, that we have to calculate. So if from here we will calculate the value of frictional force by solving this expression, we will get 7.36 into 10 ratio power minus 3 Newton. So correct option will be D. Means loss in energy will be equal to work done by frictional force on the bead. So very simple again. So let's move to the next question, and that will be question number 46. So very simple and conceptual, means if two straight conductors are placed parallel and close to each other and current is flowing in the same direction, then magnetic force applied by conductor 1 on 2 will be
एंड टू ऑन वन विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर. सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी अट्रैक्टिव बट सच काइंड ऑफ ऑप्शन इज टू, यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी आइदर ए और आइदर डी. सो ऑप्शन बी एंड सी आर इनकरेक्ट. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वी नो दैट व्हेन करंट पासेज थ्रू ए कंडक्टर इट विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड ड्यू टू मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज जीरो, मीन्स देर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू वायर्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम, देन एफ ई इज इक्वल टू जीरो. And nature of magnetic force will be attractive when current is flowing through them in the same direction when placed parallel and close to each other. So correct option will be option number D. So now you don't have to use pen in this question. Just read the question carefully and tick the correct answer. That will be option number D. Let's move to next question. That will be 47. A doctor measures the temperature. We have to record the temperature in Kelvin. Yani temperature in Kelvin, that will be equal to temperature in degree Celsius plus 273.15. Temperature in degree Celsius is measured as 37.3 degree Celsius plus 273.15. If we will add both of them, it will be 310.45 Kelvin. So correct option will be option number B. Means we just have to convert the degree Celsius measurement into Kelvin measurement of temperature just by adding 273.15, because 0 degree Celsius is equal to 273.15. Now let's move to the next question. That will be question number 48. Orbital speed of a planet, and orbital speed is given as the square root of gm upon r. That means orbital speed is inversely proportional to the square root of orbital radius. Then orbital speed of planet p1 to p2 will be equal to r of p2 upon r of p1. R of p2 is given as 10^12, and orbital radius of p1 is given as 10^13. Now from here we will get 1/√10. So correct option is D, means that is direct question on orbital velocity. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम. इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है बोर मॉडल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. बोर मॉडल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन नंबर वन है, एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टेड मोर बाय द न्यूक्लियस. सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा अटैच रहेगा, जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा, वो उतना ज़्यादा उस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट रहेगा. तो बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काफ़ी कम होती है. जितनी जो इलेक्ट्रॉन है, जितना उसका एन की वैल्यू कम, या बोलूँगा जितना एटॉमिक रेडियस कम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी उतनी कम रहेगी. इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी, गलत बात. इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता नहीं है. और ये कह रहा है कि लॉन्ग एज इट रिवॉल्व इन ए डिस्क्रीट ऑर्बिट, मतलब किसी भी ऑर्बिट में जब वो चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते लगाते एनर्जी को एक्सक्रीट करता है. नहीं, बोर मॉडल क्या कहता है कि स्टेशनरी फेज के जो ऑर्बिटल्स हैं इलेक्ट्रॉन, केवल उन्हीं में चक्कर लगाएगा, उन्हीं में रिवॉल्व करेगा, मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा. तो ये ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो गया. द मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. बिल्कुल ठीक है, बोर मॉडल ओनली एक्सप्लेन किया गया था हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए, या तो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बात सही है. एंड दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो एटॉमिक मॉडल था वो एनर्जी के क्वांटाइजेशन पर बेस्ड था. तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था ए, सी और डी, तीन स्टेटमेंट इसके करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट टाइनेशन एनर्जी फॉर द फॉलोइंग पेयर. इस क्वेश्चन के अंदर
हमको चार ऑप्शन गिवन है, चारों ऑप्शनों के अंदर हमको फर्स्ट डायनेशन की एनर्जी का ऑर्डर आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, डेटाबेस क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो थोड़ा। फर्स्ट डायनेशन एनर्जी के डेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड का यदि हम कंपेयर करें तो सिल्वर और गोल्ड में गोल्ड की आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है 890 एच कम्पेयर टू सिल्वर। पैलेडियम और प्लेटिनम के अंदर प्लेटिनम की आयनेशन फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेड और टिन में लेड की वैल्यू ज़्यादा होगी और एंटीमनी और बिस्मिथ में एंटीमनी की ज़्यादा होगी। तो चारों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन डेटा बेस्ड है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये आपकी ब्रॉन्स्टेलरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ब्रॉन्स्टेलरी के अकॉर्डिंग करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है C3COOH एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन लिक्विड अमोनिया। अमोनिया एक बेसिक सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेलरी, और यदि ये बेसिक है तो इसका मतलब यहाँ पे ये एसिड की तरह रिएक्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिल्कुल करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2SO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन H2, बिल्कुल ठीक है। CH3COOH एक्ट एज बेस इन लिक्विड HCl, लिक्विड HCl मतलब एसिड के अंदर एक एसिडिक मटेरियल, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड, एज ए बेस की तरह वर्क करेगा, कोई इश्यू नहीं, ये भी सही स्टेटमेंट है। H2 एक्ट एज बेस इन लिक्विड अमोनिया, अमोनिया खुद ही बेस है, बेस में एक न्यूट्रल मेटल बेस की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। इसके सही स्टेटमेंट रहेंगे ए बी और सी। द रिएक्शन Ke+I2 कन्वर्ट इनटू Ki3 इन्वॉल्व, ये जो रिएक्शन है इसमें क्या क्या हो रहा है, तो इसके लिए अपन देखते हैं इस रिएक्शन में Ke+I2 कन्वर्ट हो रहा है Ki3 के अंदर। Ki3 का जो फॉर्मेशन है वो होता है Ke.I2 यानी कि एज ए कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो ये तो कन्फर्म है कि Ke3 है वो एक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बात तो इसकी बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, पोटेशियम का +1, आयोडीन का -1, आयोडीन का 0, इधर चेक किया पोटेशियम का वापस से +1, आयोडीन का चेक किया तो +1, +3x=0, 3x=-1 और x=-1/3, मतलब इधर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1/3। तो क्लियरली दिख रहा है कि स्टार्टिंग में -1, -1 से -1/3, इधर 0, 0 से -1/3, मतलब दोनों ही प्रोसेस में हो रहे हैं, इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी है, इसमें रिडक्शन का प्रोसेस भी है, दोनों ही कंप्लीट हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज की वजह से, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इसमें हो ही रखा है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तीनों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हैं। ये तो हमारे IEPT 2023 के केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन था, उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय सीएल। 53 से ठीक है, 53 क्वेश्चन है। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट वर टॉट टिपिकल मेमिलियन करेक्टर्स अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑर्डर एंड रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल इन द गिवन इन द टेबल गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट इंक्लूड्स द नेम ऑफ एग्जाम्पल ऑर्डर, कॉलम फर्स्ट जो है उसमें या तो ऑर्डर का नाम दिया गया है या रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और जो सेकेंड कॉलम है उसमें करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। उनका आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच कर रहा है, इनमें से कौन सा जो करेक्टर है वो करेक्ट मैच कर रहा है टेबल के अंदर। तो फर्स्ट जो दे रखा है फोर्थ के साथ, यानी लेगमोर्फा जो होता है वो फोर्थ के साथ, लेगमोर्फा जानते हैं आप, इसमें इंसाइजर ओपन रोटेट, इंसाइजर जो होते हैं ना ओपन रोटेट होते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली आजीवन जो होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ जो होते हैं ना वो ग्रोथ करते रहते हैं, जैसे रेबिट में होता है उसी टाइप से इंसाइजर ओपन रोटेट होते हैं, कंटिन्यू ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ लेगमोर्फा में होते हैं, ये सही है। इसका मतलब फर्स्ट का फोर्थ के साथ जो मैच किया गया है वो करेक्ट है, फर्स्ट का फोर्थ के साथ जो मैच किया गया है वो करेक्ट है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड के साथ है, सेकंड है अपने पास माइक्रोचिरेप्टेरा और इसको मैच किया गया है करेक्टर में फर्स्ट फिंगर क्लॉड, सही बात है। माइक्रोचिरेप्टेरा जो होता है उसमें फर्स्ट फिंगर क्लॉड होती है और 10 इनक्लोज इन इंटरफॉर्मल इंटरफ्यूमोरल मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती है, ये भी सही मैच किया गया है। तो सेकेंड जो है वो भी क्लियरली करेक्ट मैच किया गया है। थर्ड है एर्माडिलो, थर्ड को सेकंड के साथ मिलान किया गया है, एर्मिडोला को इसके साथ। एर्मिडोला जो होता है वो टूथलेस नहीं होता, वो टूथलेस नहीं होता, बट पोलियम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है लेकिन टूथलेस नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है, सही मेच नहीं किया गया है, इसका मतलब सी जो है वो सही मेच नहीं किया गया, ठीक है। और प्रोबोसिडिया ये बेलिन नहीं है, ये भी सही मेच नहीं किया गया, मतलब फोर्थ जो है वो सही मैच नहीं किया गया। इसमें सही मैच किए गए जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट मैच किए गए हैं वो दो ही हैं, एक तो ए है वो करेक्ट मैच किया गया और एक बी है वो करेक्ट मैच किया गया।
ए में वन जो है फोर्थ के साथ है और सेकंड जो है वो एक फर्स्ट के साथ है, ये करेक्ट मैच किए गए क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 54। कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक्स इन सर्टेन ह्यूमन फैमिलीज हैड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट टू इम्प्रूव ह्यूमन रेसेज बाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग लेट सर फ्रांसिस गोल्टन टू कलेक्ट एंड स्टैटिस्टिकली एनालाइज जीनोलॉजिकल और पेडिग्री ऑफ ए नंबर ऑफ फैमिलीज वेयर सम और द अदर ट्रेट्स वर रेगुलरली ट्रांसमिटेड थ्रू जनरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू पेडिग्री ऑफ बेगर्स एंड स्नोडल पेडिग्री जो है वो किस से रिलेटेड है, इनमें से पेडिग्री रिलेटेड बेगर्स और स्नोडल्स जो होते हैं वो इन दो से रिलेटेड होते हैं, जीरो फैमिली ऑफ स्विट्जरलैंड और ड्यूक्स ऑफ न्यूयॉर्क इन दोनों से रिलेटेड है, इन दोनों से बैच फैमिली ऑफ जर्मनी से रिलेटेड नहीं है और इनसे भी रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास बी और डी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेकंड लास्ट 55। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लांट्स इन द एबिलिटी टू अडेप्ट देयर ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच ए लाइट वाटर टेम्परेचर एंड ग्रेविटी द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रूट ग्रेविट्रोफिज्म कंपेरिज टू ग्रेविटी परसेप्शन सिग्नल ट्रांसमिशन ग्रोथ रेस्पॉन्स एंड द रिस्टाब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ फॉलोइंग आर सम ऑफ द मॉडर्न कंसेप्ट एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ रूट ग्रेविट्रोफिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन द रूट ग्रेविट्रोफिज्म के लिए इनमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन कौन से हैं या कौन सा है क्लियर। तो अपन देखते हैं, पहला है स्टेटोलिथस विद इन द कोलुमेला सेल्स ऑफ रूट केप सेडिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी रिजल्टिंग इन द जनरेशन ऑफ सिग्नल दैट कोज एसिमेट्रिक ग्रोथ, एकदम राइट है ये स्टेटमेंट, इसे रूट ग्रेविटिज्म के लिए एकदम राइट है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। सेकंड देखते हैं, ऑक्सीजन इनफ्लक्स होता है एंड इन इफ्लक्स कैरियर्स फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ डिफरेंशियल ऑक्सीजन ग्रेडियंट बिटवीन द अपर एंड लोअर साइड ऑफ ग्रेवी स्टिमुलेटेड रूट्स दिस कोजेज डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ रेस्पॉन्स इन द ग्रेवी रेस्पॉन्डिंग टिश्यू ऑफ द एलोंगेशन जोन लीडिंग टू रूट कर्वेचर। ये भी ऑक्सीजन का स्टेटमेंट जो है वो रूट ग्रेविट्रोपिज्म के लिए क्या है एकदम राइट क्लियर। थर्ड है अपने पास कर्वेचर इन जियो स्टिमुलेटेड रूट्स इन ड्यू टू द लेटरल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इनहिबिटर फॉर्म्ड इन द रूट केप, ये भी रूट ग्रेविट्रोपिज्म के लिए सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्टिड इन रूट केप कंटेनिंग कैरेटोनॉइड, रूट जो प्रोटोप्लास्टिड होता है उसके रूट केप में कैरेटोनॉइड एंड प्रोटोक्लोरोफिल रेस्पॉन्ड टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते, ना तो कैरेटोनॉइड पिगमेंट करता है और ना प्रोटोक्लोरोफिल करता है, इसका मतलब ये ग्रेविटी के लिए यानी रूट ग्रेविटोप्रिज्म के लिए सही स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब इसके लिए सही स्टेटमेंट केवल अपने पास कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मतलब ए बी एंड सी आर ट्रू फॉर रूट ग्रेविट्रोफिज्म क्लियर एंड डी आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पास बायोलॉजी का। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी टू जनरेट एटीपी अकर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, द प्रोसेस इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ओनली टू सोर्स ऑफ एनर्जी आर असेंबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, सनलाइट एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन अकरिंग इन ग्रीन प्लांट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन कौन से सही है इसके लिए देखना है। तो पहला है अपने पास फोटोसिस्टम, सेकंड इज नॉट इन्वॉल्व, सही बात है क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है उसमें ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट ही इंक्लूड होता है, फोटोसिस्टम सेकंड इंक्लूड नहीं होता। नॉन साइक्लिक जो होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूड होते हैं, बट साइक्लिक में केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट ही इंक्लूड होता है, मतलब फर्स्ट इंक्लूड होता है और सेकंड नॉट इन्वॉल्व होता है। तो फोटोसिस्टम सेकंड इज नॉट इन्वॉल्व किसके लिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ओनली एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेट बट नो एडीपी,
मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है उसमें केवल एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी जनरेट होती है बट नॉट जनरेट एनएडीएच, एनएडीएच का जनरेट नहीं होता। ये भी बात सही है क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होती है उसमें केवल एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ही जनरेट होते हैं। क्लियर। वाटर इज रिक्वायर्ड, ये वाटर रिक्वायर्ड जो होती है वो वाटर रिक्वायर्ड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो फोटोलाइसिस में होती है। फोटोलाइसिस जो होता है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वो फोटोलाइसिस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ तक लिखा है वाटर इज रिक्वायर्ड, ये साइक्लिक के लिए नहीं होता, ये नॉन साइक्लिक के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो साइक्लिक के लिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर। P680 इज द एक्टिव रिएक्शन सेंटर, P680 जो होता है वो एक्टिव रिएक्शन सेंटर नहीं होता साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए, वो किसके लिए होता है, नॉन साइक्लिक के लिए होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए जो एक्टिव रिएक्शन सेंटर होता है वो P700 होता है। इसका मतलब ये भी इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड अपने पास केवल दो स्टेटमेंट है, फोटोसिस्टम सेकंड इज नॉट इन्वॉल्व्ड बट फोटोसिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्व्ड, और सेकंड है अपने पास ओनली एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड बट नो एनएडीएच। क्लियर। तो यहाँ अपने पास साइक्लिक के लिए दो ऑप्शन जो है वो राइट है, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ तक ये बायोलॉजी के अपने पास क्वेश्चन थे जो IAPT मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल टीचर्स के लिए जो अभी 26 नवंबर को एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 एंड 60, दीज फोर क्वेश्चंस आर सच दैट वेयर मोर देन वन ऑप्शंस मे बी करेक्ट, सो अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस केयरफुली एंड नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 57। नाउ पावर कंज्यूम्ड बाय एन इंजन या पावर कंज्यूम्ड या पावर सप्लाइड बाय क्रेन बी, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय क्रेन बी अपॉन टाइम, वर्क डन मींस MGH अपॉन टी, मास ऑफ द कार इज 2 टन मींस 2000 kg इनटू वैल्यू ऑफ जी इज लेट्स टेक 10 एंड हाइट इज 3 मीटर एंड टाइम क्रेन बी विल टेक 2 मिनट मींस 2 × 60। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट पावर 500 वोल्ट, तो पावर सप्लाइड बाय क्रेन बी, बट इन ऑप्शन इट इज इवन 1000 kW, सो दैट ऑप्शन विल बी इन करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन एफिशियंसी ऑफ इंजन इज गिवन एंड दैट एफिशियंसी इज डिफाइंड एज वर्क आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट, एफिशियंसी ऑफ बोथ द क्रेन्स आर सेम एंड वर्क आउटपुट मीन्स वी हैव टू लिफ्ट द क्रेन टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर मीन्स ए कार ऑफ मास 2 टन इज लिफ्टेड बाई 3 मीटर यानी वर्क डन इज सेम, एफिशियंसी इज गिवन सेम, दैट मीन्स एनर्जी इनपुट इज ऑल्सो इक्वल टू सेम एंड एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू दैट एनर्जी विल बी सप्लाइड बाई द फ्यूल इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इंटू इट्स कैलोरीफिक वैल्यू and nothing is given, that means same fuel is used in both, then calorific value will be same and calorific value will be same means m is same, means both the cranes will consume equal amount of fuel, so option number b is correct. Now next, power, we know that power is defined as rate of work done or maybe equal to rate of energy consumption or rate of energy supplied. Now, power is inversely proportional to the time. Now, we know that time taken by crane A is 1 minute and by is crane B is 2 minute. Then, power of crane A is greater than the power of crane B. Then, power supplied by crane A is more than the power supplied by B. That is also correct answer. Next, fourth, crane A consume more fuel. No, in question number 2. Crane A and B both will consume same fuel. So, correct option will be option number B and C. So, very easy question. Now, let's move to the next question. That will be question number 58. Now, in this question, we have to
गिव आंसर नाउ. सपोज 100 वोट एंड 200 वोट बल्ब इज मार्क्ड एज बल्ब वन एंड दैट इज गिवन एज बल्ब नंबर टू. नाउ वी नो दैट पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. फ्रॉम हेयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आर वन इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाय पी वन. वी वन इज 200 एंड पी वन इज इक्वल टू 100. So that will be equal to 400 ohm. Similarly, resistance of bulb 2 is also calculated. That will be found by 2000 upon 3 ohm. So resistance of both the bulbs is calculated. Option 1, when supplied 200 volt, 60 watt bulb glows brighter. Yes, when two bulbs are connected in series, then bulb which have low power rating will glow brightly. That will consume more power. That will glow brighter. So option number 1 is correct. Means two bulbs are connected in series, then bulb having low power rating will glow brighter. Now next move to option 2. Now we have given when supply voltage is 200 volt. Let's supply voltage 200 volt, resistance of that it is 400 ohm and it will be ohm. Let's say current flowing through it will be I. That is bulb 1 and that is bulb number 2. From here I will be equal to V upon R net. So V is 200 upon R will be 400 plus 2000 by 3. From here we will calculate I will be equal to option 2. Total power dissipated means power on bulb 1 plus power on bulb 2. 1 current will be same I square R1 plus I square R2. After calculating, we will get power equal to I square into R1 plus R2. Value of I is 3 by 16 ka square into R1 400 and that will be R2 2000 by 3. From here, we will get power equal to 37.5 volt. Means total power dissipated will be 37.5 volt when connected in series and applied voltage is 200 volt. But option is total power dissipated will be greater than 37.5. Then this means it is wrong. Now next question. Supply voltage is 400 volt, 100 volt bulb gate fuse. Let's calculate maximum current that can flow through the bulb 1. Then P equal to V I equal to P by V. Then maximum current that can flow through the bulb 1 will be equal to 0.5 ampere. And similarly maximum current that can flow through bulb 2 will be again power by voltage. Power 60 and voltage 200 means equal to 0.3 ampere. Means maximum current that can bulb 2.3 and through 1 will be 0.5. Now supply voltage is 400, 100 volt bulb gate fused. Means current should be greater than this. So let's calculate. This will be 0.375 ampere. So current flowing here is greater than the current maximum current flowing through the bulb 2.
यानी इट विल बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू करंट टू. सो आई विल से दैट मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब टू इज 0.3 एम्पियर, बट करंट फ्लोइंग इज 0.375 एम्पियर. सो बल्ब टू विल फ्यूज, एंड बल्ब टू विल फ्यूज मीन 60 वोल्ट बल्ब विल गेट फ्यूज. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड फोर्थ, वेन सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट बल्ब टू 60 वोल्ट बल्ब विल गेट फ्यूज मीन सर्किट विल बिकम ओपन सर्किट. नाउ नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो. नाउ इट विल से नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो, सो नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो. तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी. वेरी नाइस क्वेश्चन. वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज सर्किट, ऑल्सो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम करंट एंड पावर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 59, दैट विल बी लिंक्ड टू द फ्लूइड. फर्स्ट, सॉलिड स्फीयर मीन्स फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी इट्स वेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट. सो फर्स्ट, इन वॉटर वेट ऑफ द बॉडी विल बी लेट्स वॉल्यूम वी, डेंसिटी रो, वी रो जी, एंड इट्स 60% ऑफ वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड विल बी 0.6 वी इंटू डेंसिटी ऑफ वॉटर इंटू जी. तो हेयर जी हैव टू बी कैंसिल आउट, वी हैव टू बी कैंसिल आउट. तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर विल बी 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वॉटर. 0.6 डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 1000. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी 600 के जी पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी 600 के जी पर मीटर क्यूब. बिकॉज स्फीयर इज सॉलिड, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ स्फीयर. सेकेंड, इन ऑयल अगेन बॉडी इज फ्लोटिंग, 80% ऑफ वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड means V rho g means mass of the weight of the body will be equal to mass of fluid, mass of oil displaced, and that volume of oil displaced will be 80% of the volume of sphere into rho of oil into g. So g is same on both the sides and V is also here. Now density of body is given 600. We have calculated in option 1. Now 0.8 into density of oil. After calculation, we will get that density of oil is equal to 750. So from here we have calculated density of oil is 750 kg per meter cube. So option B is also correct. Next, the weight of the sphere in air is close to. We have to calculate weight. Yani weight in air equal to mg. M means volume into density. Volume sphere, it will be 4 by 3 pi r cube into density into g. By putting the values, radius is 10 centimeter. Let's convert it into meter. Density we have calculated in option 1, 600. And value of g is 9.8. After calculation, we will get weight is nearly 24.64 newton. So its weight in air is 24.64 newton. It's also correct. Option 4, loss in weight of the sphere when floating in oil is close to 30.82. For a floating body, loss in weight will be equal to its weight in air. So it will be equal to 24.64. So that option is incorrect. Because loss in weight cannot exceed the weight of the body. So option D is incorrect. So correct option will be first three option A, B, C. Now let's move to the next question. Now last question, question number 60. We have given velocity time graph and four options are given according to which we have to reply. Then option one, initial acceleration means 0 to 6
सेकंड. इन 0 to 6 सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोथ आर इक्वल. Then instantaneous acceleration will be equal to average acceleration. That will be equal to change in velocity by time duration. Change in velocity after 6 second velocity 20, initial velocity 0, final time 6 minus 0. So it will be 3.33 meter per second. But option 1, initial acceleration of particle is given 4, means that is incorrect option. Now option 2, displacement after 16 second. Means velocity time graph and time axis area enclosed by velocity time graph and time axis will be equal to displacement. Then area enclosed between 0 to 12 second will be that, and it will be a trapezium whose area can be calculated by half of the sum of parallel side, that will be 12 plus 4 into distance between parallel side is 20. And that will be calculated at 160. Next, E to D. But now velocity is in opposite direction. So its area will be half of base into parallel side. Base is 4 and height that will be equal to minus 15. So that to minus 30. Then total displacement. Sign, so it will be 130 meter. So correct option will be B. Displacement after 16 second will be 130 meter. Next, average speed. For average speed, we have to calculate total distance. Then total distance, we have to put the values of area between velocity, time graph and time axis without taking their sign. Means 0 to 12 second distance will be covered 160. Plus in 12 to 16 second distance covered will be 30 meter, but in opposite direction. So total distance covered will be 190 meter. Now we have to calculate average speed. Then average speed will be equal to total distance 190 upon 16. So it will be 11.88 meter per second. So option C is also correct. Next, somewhere during the motion, retardation of particle is 10. Retardation means negative acceleration. Let's take between 10 to 12. Acceleration. Velocity time graph is straight line and inclined to time axis. Then acceleration, and that will be calculated by change in velocity upon time duration. Change in velocity at 12 second velocity 0, at 10 second velocity is 20, so it will be minus 10. Acceleration negative means retarded motion, A means retardation. So in 10 to 12 second retardation is 10 meter per second square. So option D is also correct. So option B, C and D are correct. So I hope students, all of you have done your paper very well and score good marks. Thank you.